दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 11,255 वैकेंसी रिलीज कर गई है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड न्यूज़ और रेलवे एग्जामिनेशन के स्टडी मटेरियल मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट है क्या। तो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज दिनांक देख रहे हैं 16/4/2018 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि टोटल वैकेंसी 11,255 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्जाम गवर्नमेंट जॉब इस साल 2018 में पाने के लिए। तो इसमें तीन अलग अलग विभाग में निकाला गया वैकेंसी। शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड टू का, लिपिक ग्रेड टू मीन्स कलकिया ग्रेड टू का 329 और टोटल जो है 329 वैकेंसी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक ग्रेड टू का 09 वैकेंसी, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय कनिष्ठ सहायक पद, जिसका कनिष्ठ सहायक पद है, उसमें 97,68 वैकेंसी, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1,149 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 10,917 वैकेंसी निकाली गई है, जो टोटल वैकेंसी 11,255 वैकेंसी है। और ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, या आप वेबसाइट www.ssoraajasthan.gov.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये 100% करेक्ट न्यूज़ है, इसमें कोई गलत PDF नहीं है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक आप कंप्लीट डिटेल PDF फाइल है, मैं अपने लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कहाँ से कितने वैकेंसी है, कैसे प्रोसेस है, क्या शुल्क है। पूरे PDF को एक शुरू से अंत तक देखें, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे दिया गया कि कहाँ पे वैकेंसी किसके लिए है, किस संख्या के लिए है, किस जाति के लिए है। तो इस वीडियो को, इस PDF को शुरू से अंत तक देखें, पढ़ें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।